शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नज़र आ रहा है हम एक दो रुकू जो हैं उसके सूरह बनी इसराइल के ताला करते हैं इंशाल्लाह, और इसमें हर आयत को अलग करके देखते हैं कि क्या कहा गया है। आपको मालूम है कि बनी इसराइल का जो शुरू हुई थी कि महराज का वाकया जो मक्के से मस्जिद अल-अक्सा तक का, उसके बाद उसमें जिक्र जो वहाँ से आसमान का है उसका जिक्र नहीं है लेकिन वो हदीसों से साबित है। और यहाँ पर उसके बाद फिर बनी इसराइल का किस्सा शुरू किया गया ताकि उनको ये बताएं कि ये जो आयत आ रही हैं ये वो इंसान बता रहा है जो अभी अभी कायनात आलम को देख कर आया है, जन्नत और दोज़ख और के लोगों को और वहाँ के हालात होने वाले जो हैं उनको मिसाल के तौर पर जो दिखाया गया वो सब देख कर आया है, तो तुम अगर नहीं बिलीव करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा। तो यहाँ पर यह हुआ था कि उस वक्त तकरीबन 10-11 साल गुजर गए थे मक्के में और ईमान ला के नहीं दे रहे थे बल्कि उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी मुश्रकिन ने, तो वो इंसान भी इंसानी है आकर तो तंग आकर उन्होंने भी मुसलमान जो है उन्होंने भी ये दुआ मांगनी शुरू कर दी थी कि काफिरों को अल्लाह ताला अजाब जल्दी दिखा दे। तो वहाँ पर चूंकि ये बहुत धमकियाँ दे रहे थे कि तुम काफिर जो हैं कह रहे थे कि कहाँ है तुम्हारा अजाब नहीं आ रहा, और बार बार वो उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि बस ले आओ अब वो अजाब जिससे तुम हमें डराया करते हो, तो ये बार बार जब कहते थे तो तुम उनको ये समझा रहे हैं अल्लाह ताला के बेवकूफ़ो खैर मांगने के बजाय अजाब मांगते हो, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि खुदा का अजाब जब किसी कौम पे आता है तो उसकी क्या गदबंदी है क्या उनका हश्र होता है। और फिर उसके बाद एक लतीफ़ तंगी मुसलमानों के लिए भी थी क्योंकि वो कुफार के जुल्म सितम और उनके हडदर्मियों से तंग आकर कभी कभी उनके हक में नज़ुल अजाब की दुआ भी करने लगे थे, क्या करते बेचारे। हालांकि उनको ये भी नहीं मालूम था, यानी मुसलमानों को भी ये बताया जा रहा है कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि बहुत से लोग मौजूद थे जो आगे चल कर ईमान लाने वाले थे और दुनिया भर में इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले थे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान बड़ा बेसब्रा वाकई हुआ है, हर वो चीज़ मांग बैठता है जिसके यानी फौरन ज़रूरत पड़ी और कहता रहा इतना हमें चाहिए, हालांकि बाद में उसे खुद तजर्बे से मालूम हो जाता है कि अगर उसी वक्त उसकी दुआ कबूल कर ली जाती तो उसके हक में खैर नहीं थी। तो ये यहाँ से शुरू होती है कि इंसान शर इस तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगनी चाहिए, इंसान बड़ा ही जल्द जल्दबाज वाक़ हुआ है। तो यहाँ अजूला का लफ्ज़ इस्तेमाल है, आजिल अजूला को जल्द के लिए, और आगे इसी लफ्ज़ को हम एक और तरीके से भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब दूसरी आयत देखो, हमने रात और दिन की दो निशानियाँ बनाया है, देखो हमने रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया है, रात की निशानी को हमने बेनूर बना दिया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको और माह और साल का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज़ को अलग अलग ममैयत कर दिया यानी डिस्टिंक्टली एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर जो है लफ्ज़ आप गौर करें तो जालना लैल व नहार आयातैनी, ये आयत की आयत जो होती है सिंगुलर होती है और आयात जो होती हैं वो प्लूरल होती हैं, लेकिन ये आयातैनी का मतलब ये डुअल यानी दो दो आयत। अब ये एक वाहिद जबान है अरबी जिसके अंदर सिंगुलर डुअल एंड प्लूरल होता है, वरना हर जबान में सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, बस दो के लिए कोई लफ्ज़ नहीं होता वहाँ पर। हाँ अगर बयान करना हो तो बहुत ऑफ देम कह सकते हैं वगैरह, लेकिन अरबी की ज़बान की यह खासियत है कि इसमें डुअल भी होता है, जब दो की बात होती है तो वो ये इसकी निशानी होती है आयतैन ए ज़बर और ये और नून के देर के साथ। तो ये ग्रामर में जो पढ़ते हैं उनको पता है और आपको बार बार भी आएगा भी और इसकी मिसाल है। तो यहाँ पर देखो हमने रात और दिन की दो निशानियाँ बना दिया और ये जो दो निशानियाँ हैं ये यहीं रात और दिन की निशानी को सिर्फ इसी आयत में नहीं बल्कि कई आयतों में अल्लाह ताला ने बताया कि तुम गौर नहीं करते, तुम यकीन नहीं करते, तुम्हें ईमान नहीं लाते ऐसी बातों को देख कर। ये चीज़ें क्या है, आयत जो हैं मौजज़े हैं मगर ये मौजज़े तुम्हारी नज़र में जो है वो यूँ ही हो रहे हैं, खुद ब खुद सूरज निकल गया और रात आ गई और तुमने इसको और फिक्र नहीं किया कि ये कितनी बड़ी नियामत है अगर देखा जाए तो। अगर सोचें अगर कि इंसान जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो ऑक्सीजन लेता है, दिन में पत्तों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट और शुगर बनाते हैं,
और ये आजकल की दुनिया के लोगों को मालूम है, पहले लोगों को ये भी नहीं पता था कि दिन की रोशनी में क्या क्या मौजूदात हो रहे हैं और रात के अंधेरे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं, और इंसान को सुकून के लिए जो है शोर शराबे से बंद करके सोने की एक 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 माहौल, एक सराउंडिंग दिख जाती है जिससे वो अपना जो सारा दिन की थकान है वो दूर हो करता है। लेकिन ये चीज़ें जो है दिन और रात की निशानियां चल रही हैं, और तुम उसे देखते हो उसमें इतना फर्क है, मिजाज में लोगों के फर्क है, रुझानात में फर्क है। तो ये जो है डाइवर्सिटी जो है ये दुनिया की, ये सारा कारोबार इसी से चल रहा है। अगर कोई चाहे कि नहीं हमेशा ये चीज़ें ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही तरीके दिन जो है हमेशा रहे और रात जो है हमेशा रहे। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर जिंदगी अजीरन हो जाती। तो ये इसमें ये बताया गया है कि ये दोनों निशानियों को देखो और इससे सबक हासिल करो कि हमने तुम्हारे लिए कितनी आराम से चीज़ें बनाई है, और इस निशानी के साथ साथ तुम इसके यानी कैलेंडर भी हिसाब किताब रखते हो, और इस तरह से हमने ये निशानियाँ दी हैं। और ये मिसाल में ये आयत जो है इसी में नहीं है बल्कि आगे देखिए आप सूरत इमरान में कहा गया कि इंडीड इन द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ एंड द अल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डे आर साइंस फॉर दोज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये उलुल अल्बाब के लिए आयत है। इसके अंदर बाद में आए तो कौन यानी इंडीड इन द अल्टरनेशन ऑफ नाइट एंड डे एंड व्हाट अल्लाह हैज क्रिएटेड इन द हेवन एंड अर्थ आर साइंस फॉर पीपल हु फियर अल्लाह हु आर कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, सूरत यूनुस में है। फिर सूरत यूनुस में आगे चल कर ये भी है कि इट इज ही हु मेड फॉर यू द नाइट टू रेस्ट देयर इन एंड द डे गिविंग साइट इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर पीपल हु लिसन जस्ट नाउ है। उसके बाद सूरह में सारे नई कुछ चीज़ें रखी हैं यहाँ पर, सूरह रहमान में जैसे सॉरी सूरह इब्राहिम में एंड ही सब्जेक्टेड फॉर यू द सन एंड मून कंटिन्यूस फॉर इन ऑर्बिट एंड सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे। फिर उसके बाद एक और मिसाल है सूरह नूर में, अल्लाह अल्टरनेट द नाइट एंड डे इंडीड इन दैट इज ए लेसन फॉर दोज हु विजन, जिनको बसीरत है, उलल अबसार यानी कहते हैं ना कि साइट ही नहीं बल्कि इनसाइट भी है, बसारत के साथ बसीरत भी है, तो उन लोगों के लिए मिसालें हैं। और एक और कुछ सूरत नमन में है कि डू दे नॉट सी दैट वी मेड द नाइट एंड एंड दैट दे मे रेस्ट देयर इन एंड द डे गिविंग साइट इंडीड इन दैट आर साइन फॉर पीपल हु बिलीव। एक और मैं खाली अपनी मिसालें आउट ऑफ इस ये सूरह कसस में है, आउट ऑफ इज मर्सी ही मेड फॉर यू द नाइट एंड डे दैट यू मे रेस्ट देयर इन एंड बाय डे सीक फ्रॉम हिज बाउंटी एंड देयर परहैप्स यू विल बी ग्रेटफुल। तो ये चीज़ें जो हैं कुरान शरीफ में बार बार अल्लाह ताला ने दिन और रात की मिसालें देकर इंसान को सोचने पर मजबूर किया है कि ये मतलब इसकी मतलबें क्या हैं और ये ऐसे ही नहीं है बल्कि इसमें कुछ खास बातें हैं जिनको तुम्हें गौर फिक्र करना चाहिए और समझना चाहिए कि बताने वाले ने इसे हमारे लिए बरकत की चीज़ें रखी हैं। फिर उसके बाद एक जो आयत आई है उसके अंदर है कि हर इंसान का शगुन हमने उसके गले में लटका रखा है, और क़यामत के रोज़ हमें एक नविश्ता उसके लिए निकालेंगे जिससे वो खुली किताब की तरह पाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हर इंसान की जो नेकबख्ती और बदबख्ती होती है उसके अपने हाथ में होती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, वरना ये हकीकत में ये इंसान जो है वो अपनी कुव्वत तमीज़ से, कुव्वत फैसला से, इंतखाब से खुद अपने आप को अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है और उसका हकदार बन सकता है। नादान लोग जो है अपनी किस्मत का शगुन जो है वो समझते हैं कि फलाने ने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, फलाने की वजह से मैं ये मुझे ये मिल गया, ये बुराई मिल गई, या उसकी शिकायत जो है वो कहते हैं ना वाह नहीं करते रहते हैं, हालांकि उनकी अपनी हालत होती आदत होती है या उनकी यानी तबीयत होती है जिसकी वजह से वो अपनी ही किस्मत का शगुन जो है वो बाहर तलाश करते हैं। हकीकत ये होती है कि उनका परवाना खैर शर जो है उनके अपने गले का हार है, यानी अगर वो खुद सोचें अपने गले में कहते हैं ना गिरेबान में मुंह डालें तो देख लेंगे जिस चीज़ ने उनको बिगाड़ और तबाही की तरफ डाला और उनको खासरी में छोड़ा उनके अपने ही बुरे औसाफ थे और अपने ही बुरे फैसले थे, ना ये कि बाहर से आकर कोई चीज़ ज़बरदस्ती उन पर डाल दी गई और सलग कर दी गई। तो ये थी इसकी इंसान की। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो कंटिन्यूस दूसरी आयत उस पर ही जाती है, पढ़ अपना नामा ऐमान आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद काफ़ी है। ये इस बात को और भी यानी फर्दर ये एक आयत
हेल्प करती है। सूरह काफ में जब फरमाया एंड द रिकॉर्ड ऑफ दीज विल बी प्लेस ओपन एंड यू विल सी द क्रिमिनल्स फियरफुल ऑफ डेट विद इट एंड दे विल से किताब मुझे जब हाथ में दी जाएगी तो कहेंगे अरे ये कमबख्ती हमारी ये किताब में देखो हर छोटी बड़ी चीज लिख दी गई है तो ये हर ये कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी चाहे तुमने जरा बराबर खैर किया हो या जरा बराबर भी शर किया हो। तो ये किताब नामा जो है उसको नाम अल्लाह ताला ने कहा है किताब इसी को यहाँ पर खुली किताब मंशूरा के नाम से एड्रेस किया है। तो ये आयत जो है मुख्तलिफ जगहों पर आपको एनहेंस करती हैं पोस्ट करती हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें यह है कि 15वीं आयत जो कोई राह रास्त अख्तियार करे उसकी रास्त रवि उसके अपने ही लिए मुफीद है पर जो गुमराह हो उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा पर हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक के लोगों का हक व बातिल का फर्क समझाने के लिए एक पैगंबर ना भेज दें। इस आयत में तीन चीज़ें फरमाई हैं। एक तो ये कि जो भी रास्ता इंसान अख्तियार करता है अगर अच्छाई का अख्तियार करता है तो वो कोई खुदा पर या रसूल पर कोई एहसान नहीं करता खुद अपने लिए अपने ही लिए भला करता है। इसी तरह गुमराही अख्तियार करता है तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता अपना ही नुकसान करता है। खुदा और रसूल और जो लोग हक की बात करते हैं गलत रास्तों से बचाने और सही राह दिखाने की जो कोशिश करते हैं वो अपने किसी गलत के लिए नहीं बल्कि इंसान की खैर ख्वाही के लिए करते हैं। एक अकलमंद आदमी का काम यह है कि जब वो दलील से उसके सामने आ जाए कि हक कहाँ क्या है बातिल क्या है तो वो तासुब की नज़र से देखने के बजाय सीधी तरह बातिल से बाज आ जाए और हक अख्तियार कर ले। तासुब और मफाद पर इसी से काम लेगा तो खुद अपना ही बिगाड़ेगा। तो ये एक बात है जिसके अंदर इंसान को सोचना चाहिए कि वो किसी से ऐसा नहीं कर रहा बल्कि खुद अपना ही भला कर रहा है अगर तो नेकी करता है। दूसरी बात इसमें यह है कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा। दूसरी बात ना सिर्फ यही बल्कि कुरान में कई जगह इस बात की अहमियत दिलाई गई है कि देखो तुम ये मत समझोगे तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा बोझ उठा लेगा और तुम जो बच जाओगे या तुम पे कोई किसी का बोझ डाल दिया जाएगा ये हो नहीं सकता। इसके लिए कुरान शरीफ में अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कई आयतें आई हैं इसी टॉपिक पर कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और तीसरी बात जो थी कि हम अजाब नहीं देने वाले जब तक के पैगंबर ना भेजें ये तीन बातें हैं। तो इसमें पहले मैं आपको उन आयतों को बताता हूँ जो इंशाल्लाह कि जो अल्लाह नाम में कहा गया कि हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर एम्फेसिस दी सूरह अल इस्लाम इसी में जो आज हम पढ़ रहे हैं कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और यह है सूरह जुमर में कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। उसी तरह सूरह नजम ने भी वही बात कही थी। तो ये एम्फेसिस है इस बात पर कि ये ना समझे कि कोई जो है हमारा पीर मुरीद कोई बोझ उठा लेगा हमको छुड़ा लेगा या कोई और किसी का बोझ नहीं उठा सकता ये बात तय हो गई है। तो इसलिए ये बात जरूरी है। तीसरी बात जो ये है कि जब तक लोगों को अपने बातों को फर्क समझाने के लिए पैगंबर नहीं भेजा जाता उस वक्त तो हम तक अजाब नहीं देते। मतलब ये है कि ये ना हो कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि इसका क्या अंजाम होगा तो इसलिए वाजे कर दिया गया कि तुम जो हो ये मत समझो कि तुमको ऐसे जवाब दे दिया ये जवाब या अजाब दिया जाएगा। ये असली हकीकत है और ये बताना चाह रहा है अल्लाह ताला कि उसके निज़ाम अदालत में पैगंबर एक बुनियादी अहमियत रखता है। पैगंबर उसका लाया हुआ पैगाम ही बंदों पर खुदा की हुज्जत है। ये हुज्जत कायम नहीं हो तो बंदों को अजाब देना खिलाफ इंसाफ होगा। तो इसलिए ये वादा किया गया कि अब हम गिरफ्त यानी ये नहीं कह सकते कि हम ये गिरफ्त कैसी हो गई जबकि हुज्जत कायम हो गई यानी नबी ने रसूल ने आके बता दिया कि क्या चीज़ हक है क्या चीज़ बातिल है। तो इसलिए एक अकलमंद आदमी को गौर इस बात पर करना चाहिए कि इसके पास क्या पैगाम पहुंचा और अब इसमें हमारी पोजीशन क्या है। रहे दूसरे लोग तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसको किसके पास कब और किस तरह किस हद तक उसका पैगाम पहुंचा उसके मामले में हमें उससे जिम्मेदार नहीं है। आलम गैब के सिवा कोई भी नहीं जान सकता कि किस पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हुई और किस पर नहीं हुई। तो ये तीन बातें जो इस आयत में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो ज़िंदगी में हर कदम पर हम अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्ल को ये बात बता करना चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट आयत ये है जो कोई राह रास्त अख्तियार करे उसकी रास्त रवि के लिए अपने ही भलाई के लिए करता है वो और
ये बात भी यह रहा है कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ कयामत में नहीं उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसी वक्त नहीं है। और हम जो अजाब देते हैं उसमें ये सोच लिया कि आपको बातिल क्या है, तो पैगाम कहाँ है, कैसा है, किसने भेजा, कब आया, तो ये उसकी अपनी स्टडी करनी चाहिए उसको, और उसके लिए उसको सोचना चाहिए कि मुझे क्या पैगाम आया और मुझे क्या करना है। उसके बाद जो आयत आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, उसको आप देखिए। फरमाया जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और उसमें नाफरमानियां करने लगते हैं, यानी वो लोग, तब अजाब का फैसला इस बस्ती पर चश्मा हो जाता है और हमसे बर्बाद करके रखते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है और यही ना गुजर जाइए। इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसकी हम और एक्सप्लेनेशन देते हैं कि होता ये है कि कौम जो होती है वो दो हिस्सों में यानी डिवाइडेड होती है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है, ए नेशन इज कम्पोज ऑफ टू टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, वन टाइप इज नोन एज लीडर, द अदर्स आर फॉलोअर्स। होता ये है कि जो लीडर होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं और फॉलोअर्स आर मोर इन नंबर एंड लीडर्स आर फ्यू, बट दे आर द ब्रेन ऑफ द नेशन। क्योंकि कानून बनाना, सोचना और अमल पैरा करना इनको इनके हाथ में होता है, जो कि जिसे लीडर कहते हैं। तो फॉलोअर मोर इन नंबर एंड लीडर्स आर फ्यू, बट दे आर द ब्रेन ऑफ द नेशन। दे आर इंटेलिजेंसिया, दे मेक रूल्स, दे आर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। दे हैव वेल्थ रिसोर्सेज एंड दे मेक रूल्स फॉर द फॉलोअर्स। Allah subhanahu wa ta'ala says, when the leaders are doing good and become role models for the nation, they spread prosperity in country. और ये सूरह अनबिया की एक आयत है, वो जानना हूँ, यानी and we make them leaders guiding by our command and we inspire them the doing of good deeds. On the other hand, if they are engaged in spreading corruption, then their people follow them and the whole nation become corrupt. तो ये actually ये आयत जो आई है जो पढ़ रहे हैं कि when we decree that a habitation should be destroyed, we give command to it, यहाँ पर command से मुराद ये है कि उनको और ढील दिया जाता है अल्लाह ताला कि वो लोग जो है बुराइयों को फैलाते हैं, तो then that habitation incurs just torment, यानी उसको फिर इस तरह से कहा गया है कि कुरान में मुतरफीन का मतलब क्या है, ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ मुतरफिया, उसका मतलब ये those who are given wealth and power and they are well to do are affluent people, then these people become corrupt and arrogant, Allah subhanahu wa ta'ala give them few more days of fun, eventually he destroyed them. ये असूल है कि जब कोई अच्छे लोग जो वेल ऑफ लोग हैं, इन्फ्लुएंस लोग हैं, वो बुराइयों में पड़ जाते हैं और उस बुराइयों को फिर कौम भी फॉलो करने लगती है, फिर उस वो नेशन को अल्लाह ताला बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये असूल है कि जो लोग पावर में होते हैं, जो लोग इल्म वाले होते हैं, जो लोग उलुल अलबाब होते हैं, अगर वो लोग अपनी अकल को गलत तरीके से इस्तेमाल करके बुराइयां फैलाएं, तो फिर पूरी बस्ती और मुल्क जो है वो बुराइयों में मुब्तला हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उनको कुछ दिन की और मोहलत देता है, यहाँ तक कि उनको फिर ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये थी वो आयत जिसको बहुत यानी ज़रूरी है समझने के लिए कि ये क्या इरशाद हुआ है। फिर उसके बाद देख लो कितनी नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे हुक्म से हलाक हुई, तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। अब यहाँ पर हमने आपको मालूम है, हमने पिछले दिनों सूरह हिजर और सूरह नहल वगैरह में पढ़ा था कि नेशन ऑफ लूत को किस तरह ख़त्म किया गया, उनको बार बार बताया गया कि तुम गलत काम में मुब्तला हो, लेकिन वो नहीं माने, तो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब के कोड़े बरसाए और उसकी निशानियाँ जो इबरत के लिए अभी भी वहाँ पर हैं जिसमें आयत में है। फिर पीपल ऑफ आद जो है प्रोफेट हूद अलैहिस्सलाम के लोग जो है उन्होंने नहीं मान के दिया, तो उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया अल्लाह ताला ने। फिर उसके बाद समूद की कौम जो है प्रोफेट साले की, उन्होंने बहुत यानी वो किए, क्या नाम है, माने नहीं उनकी बात, और उसको कहा गया कि ये ऊँटनी जो है इस पर तुम मत छेड़ना, ये पानी पिएगी और तुम्हारे वो जो है उस दिन बिल्कुल नहीं पिएंगे, लेकिन वो इस बात को मजाक समझते रहे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर एक सरिया से यानी एक साउंड लाउड साउंड से उनको ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को हमने पढ़ा है कि किस तरह से फिरौन ने मान के ना दिया, यहाँ तक कि आखिर में जब वो डूबने लगा तब उसने कहा कि मैं बिलीव करता हूँ अल्लाह पर और जो है मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर, लेकिन वो टू लेट हो गया था।
तो पीपल ऑफ मदियन को प्रोफेसर शुएब के प्रोफेट शुएब अलैहिस्सलाम के लोगों को भी इसी तरह से सूरह अरफ में बताया गया। तो ये जो पिछली गुजरी हुई कौम है उनका जिक्र करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो सबक हासिल करो, ऐसा ना हो कि तुम भी इसी तरह बर्बाद हो जाओ। अगली आयत में कोई आजिला का ख्वाहिश बन रही है, आजिला से वही जब जूला कहा था ना आपको, तो आजिला यानी जल्दी। तो यहाँ आजिला चूंकि दुनिया की जो रिवार्ड मिलता है वो इस दुनिया में मिल जाता है, तो आजिला यहाँ दुनिया के लिए इस्तेमाल किया गया। तो जो कोई दुनिया का ख्वाहिशमंद हो उसे यहीं हम दे देते हैं, जो कुछ उसे देना चाहें फिर उसके किस्मत में जहन्नुम लिख देते हैं जिससे वो ताकेगा यानी गर्मी गर्म रहेगा और रहमत से दूर होगा। मधूरा मजमूमा यानी मलामत, मधूरा झटकार दिया गया। तो यहाँ पर ये लफ्ज के साथ याद रहें कि ये जो हाँ इस बात को सोचने के लिए कि ये उसी तरफ इशारा है जो सूरह बकरा में एक मालूम मैंने हाँ आगे दिया है कि और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए कोशिश करे जैसे कि उसे कोशिश करनी चाहिए तो वो मोमिन हो तो ऐसे शख्स को उसकी कोशिश कबूल की जाएगी। इसी के ज़ैल में ये था सूरह बकरा में कि among the people is he who says our Lord give us in this world and he will have in the hereafter no share, यानी इसको इसी दुनिया में दे दिया जाएगा और आखिरत में कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं तब बना आती ना सिर्फ दुनिया हसनतन फिलाकत हसनतन फिन आजाब नार, तो उनके लिए जो है उनको गुड एंड प्रोटेक्ट फ्राम हस, तो उनके लिए यह है कि आगे उसी सूरह बकरा की नेक्स्ट आयत है दोज विल हैव अ शेयर ऑफ व्हाट दे हैव अर्न स्पेसिफिकली एंड अल्लाह इज स्विफ्टिंग काम। ये नहीं कि अगर आपने कुछ किया ना हो तो आपको दे दिया जाए, ये नहीं, कुछ करें कोशिश करें और अल्लाह देने वाला है, वो सही हिसाब है, वो हिसाब में बहुत स्विफ्ट है। उसके बाद अगली आयत है इनको, अच्छा इनको भी और उनको भी दोनों फरीकों को हम दुनिया में सामान्य दिए जा रहे हैं, ये तेरे रब का अतिया है और तेरे रब की अता को रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि वो लोग जो दुनिया की दौलत चाहते हैं या दुनिया की चीज़ चाहते हैं उनको दुनिया की भी दी जाएगी और जो लोग आखिरत की चीज़ें मांगते हैं उनको हम दोनों को देंगे। यानी मतलब ये कि जो दुनिया वाले हैं वो दीन के वालों को नहीं रोक सकते, वो देने वाले हम हैं, और इसी तरह आखिरत को जो मांगते हैं वो हम उनको भी देंगे। यानी दीन और दुनिया दोनों लोगों के लिए देने वाले हम ही हैं, कोई उसके लिए किसी का अख्तियार नहीं है। तो ये मतलब ये है कि हम दोनों फरीकों को, दोनों ग्रुप को, हमें दुनिया वालों को भी उस दुनिया वालों को देने वाले हम ही हैं, ये याद रहे। मगर देख लो दुनिया ही में हमने ग्रोह को दूसरे पर कैसी फजीलत दे रखी है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में बहुत ठाट बाट से रह रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं आखिरत उसके दर्जे में और भी में उनके दर्जे ज़्यादा होंगे और उसकी फजीलत और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होगी आखिरत में यानी आफ्टरवर्ड। तो यहाँ मतलब ये बताने का है कि तुम ये मत देखो कि जो लोग ठाट बाट में रह रहा है उसकी दुनिया भी अच्छी है और दीन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो बेहतर जानता है कि वो दुनिया वाले दीन की कितनी खिदमत कर रहे हैं और वो दीन वाले दुनिया में क्या कर रहे हैं, यानी उनकी जो कैरेक्टर है वो बता रहा है कि ये दीन वालों का कैरेक्टर देखो कैसा है। हालांकि गरीब हैं मगर उनका कैरेक्टर ऐसा है कि वो रोशन अंधेरे में भी रोशन होता है। तो ये फजीलत हमने इस दुनिया में भी दे रखी है उनको, फिर आखिरत में जो है फजीलत तो ज़ाहिर है ज़्यादा होगी। तो ये होती वो बात जो इस आयत में फरमाई गई। तो अल्लाह के साथ कोई अब यहाँ से कहते हैं ना आगे जो आयत आ रही है उसमें काइंड ऑफ 10 कमांडमेंट्स की तरह टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाएगा। तो यहाँ से फौरन ये बताया गया कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना वरना मलामत ज़दा और बेयार मददगार बैठा रह जाएगा। ये मजमूमन मकजूला आया है यहाँ पर, याद रखिए ये लफ्ज़ इसके लिए कि जिसका कोई मददगार नहीं, वहाँ मजमूमन मधूरा था। तो यहाँ इसके बाद आप देखिए आप यहाँ से नंबर 1, 2, 3 की तरह से एक कहना चाहिए माशरे के लिए असूल बताए गए। इन असूलों में सबसे पहला ये है कि तुम लोग किसी की बात ना करो मगर सिर्फ उसकी, सबसे पहले जो है शिर्क शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वालदैन के साथ नेक सुलूक करो, अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो। आपको याद होगा सूरह लक़मान में भी हज़रत लक़मान अपने बेटों को नसीहत करते हैं कि बेटा शिर्क मत करना, और शिर्क जो है अजीम
जुल्म है, याद है, और उसके फौरन बाद वालिदैन के साथ सलूक नेक सलूक करना। तो इसी बात को यहाँ पर भी ये कहा गया है, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करोगे सिर्फ उसी की। यही बात है जो बार बार जहन में आती है सूरह फातिहा की, कि या का नाबुदू वो या का नस्तईन की अहमियत कितनी है। फिर उसके बाद वालिदैन के लिए ख़ासतौर पर उसके बाद भी बताना कि कितना उनका दर्जा है, बहुत ही ज़रूरी है कि औलाद को वालिदैन का मुती और खुदमत गुजार और अदब शनास होना चाहिए, और माशरे का इज्तिमाही अखलाक जो है ऐसा होना चाहिए जो औलाद को वालिदैन से बेनियाज बनाने वाला ना हो, बल्कि उनका एहसान मंद, उनके एहतराम का पाबंद हो, और बुढ़ापे में उसी तरह उसकी खिदमत करे जिस तरह बचपन में उन्होंने उसकी खिदमत परवरिश की और नाक बर्दारी की। तो ना आपको मालूम है जब बच्चा पैदा होता है तो किस कदर यानी कुछ यानी तो जानवर का बच्चा भी जो है कुछ ना कुछ सीख के आता है, वो थोड़ी देर में चलने लगता है, लेकिन इंसान का बच्चा जो है उसको देखना पड़ता है हर दिन रात हर हर लम्हे के, कहीं वो भूखा ना रह जाए, कहीं वो उसकी नींद हराम ना हो जाए। लोग अपने माँ बाप ने अपनी नींद हराम करके उसकी नींद को उसके गहवारों को खिलाते रहते हैं रात भर ताकि उसको आराम मिले। तो इतनी खिदमत की है उसने जो कोई किसी का जानवर का कोई माँ बाप नहीं करता, जितने इंसान के माँ बाप करते हैं। देखा जाए तो अगर ये मोहब्बत ना देता तो इससे बड़ा इनका तकलीफ देना वाला माँ बाप को और कोई नहीं होता। तो इसीलिए ये ख्याल किया गया कि सबसे पहले वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, और दोनों बूढ़े हो जाएं तो उन्हें किस तरह से अपने कंधे झुका कर उनसे एहतराम के साथ बात करो, और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुककर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। ये बहुत प्यारी दुआ है और ये हर बच्चे को बताना चाहिए और याद कराना चाहिए कि या अल्लाह ये बच्चे जो हैं इनकी इस दुआ को याद करें और पढ़ें। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, अगर तुम सवाले बनकर रहो तो वह ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर का मुतनब्बा होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट जाए। इसके बाद अखलाकी सिफारिश ही नहीं की है बल्कि आगे दफात भी आ रहे हैं जो कि माशरे के लिए बहुत ज़रूरी होगा, और मदीने में इन दफात को कायम किया गया। अब देखिए, रिश्तेदारों को उसका हक दो, मुस्किन और मुसाफिर को उसका हक, सूर पर्ची ना करो, ये जो है एक तरह से एक मंशूर है जो मदीने में जाकर सेट किया जाएगा। तो ये रिश्तेदारों को, हमसायों को, हाजिरमंदों को ये सारे जो हकूक़ हैं ये सिर्फ अपने खर्च के बाद ये बहुत ज़रूरी हैं, और उसके लिए ये मंशूर इस्लामी की जो दफात हैं ये आगे मदीने में कायम की गई कि सदका दिवाजी का जिसे आप ज़कात कहते हैं उसके लिए एक इदारा कायम किया गया। सदका नासला नफिल जो होती हैं, सदका वसीयत विरासत और वक्त के तरीके मुकर्रर किए गए, और सारा माशी निज़ाम जो है वो बनाया गया जिसमें फयाजी हमदर्दी तआवुन के अखलाकी हुकूक को समझने और अदा करने के लिए कानून बनाए गए, और ये जो फजूल खर्च है उसको रोका गया। बल्कि आगे ये है कि फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का ना शुक्रा है। बल्कि वहाँ पर जो मदीने में अखलाकी हक को भी समझने अदा करने के लिए कानून के ज़ोर से इन चीज़ों को सेटअप किया गया। और उसके बाद अगर इनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदार मस्किनों मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो तो इस बिना करके अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो तो उन्हें नरम जवाब दे दो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में है कि हाजतमंद रिश्तेदारों मस्किनों और मुसाफिरों को हेल्प करेंगे, मगर आपके हाथ में इतना पैसा इतनी दौलत नहीं है तो उनसे जो है बड़ी माजरत के साथ माफ़ी मांगो कि यानी अल्लाह की रहमत से भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें मिले तो ये चीज़ें करेंगे और फजूल खर्ची नहीं करेंगे। तो ये दफ़ात आ रही हैं, और इन दफ़ात में जो है बिलवास्ता और बिलावास्ता कानूनी तदबीर से यानी फजूल खर्ची को भी रोका गया था और कानून बनाया गया। ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो, ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो, ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत दगा और आजिज़ बनकर रह जाओ। यहाँ मलूमन महसूरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, मलामत के लिए मलूमा, महसूरा यानी आजिज़ होकर ना रहें। तो
यानी मतलब ये हाथ बांधने मुहावरा है, ये इशारा है, ये कहने पे अपना ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो, मतलब ये कि बिल्कुल कंजूस मत बन जाओ और बिल्कुल खुला छोड़ ना दो, यानी बिल्कुल हर चीज को खर्च करके लेविशली आजीज मत बन जाओ। तो ये बहुत यानी हैसियत थी जो बताई गई है, उसको कायम करने के लिए कानून भी बनाए गए। यहाँ पर है फजूल खर्ची जो है उसको रोकने के लिए ये बातें, बल्कि फखर और नुमाइश के लिए लोग खर्च करते थे और अभी भी करते हैं। तो याशी इसको फजूल के खर्च के लिए और दिखावे के लिए जो करते हैं उसको, उनको शैतान के भाई कहा गया है। तो ये एक तरह से 10 कमांडमेंट है यहाँ पर, और इनको सोचना चाहिए। तेरा रब जिसके लिए चाहता है जिसको ज्यादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। तो आपने देखा होगा, हम देखते हैं दिन रात के कुछ लोग गरीब हैं कुछ लोग अमीर हैं, तो हाँ उस तरफ ये इशारा है कि जिसका रिस्क अल्लाह ताला कुशादा करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं वो बेहतर जानते हैं कि उनकी लोग कैसे होते हैं और किस तरीके नेचर के हैं। तो उसके हिसाब से लोगों को गरीब अमीर बनाया गया है, उन सबको एक ही डंडे से हाँकने के लिए, एक कम्युनिस्ट टाइप की कि सबको जमीर हम से पैसे छीन लो और गरीबों को दे दो, इस किस्म की बातें जो है ये अल्लाह ताला ने इसलिए कह रहे हैं कि मना है कि हम जिसे चाहते हैं रिस्क ज़्यादा देते हैं, जिसे चाहते हैं कम देते हैं, जो मेहनत करता है वो अपने हिसाब से इस दुनिया में भी पाता है और आखिरत में भी पाएगा, जो नहीं करता है उसी तरह से अल्लाह ताला नसीहत के लिए एक दूसरे को कहना चाहिए मिसालें हैं दुनिया में। और इस बात के ये है कि अल्लाह ताला खबीर है और बसीर है। तो ये थी आज की समरी और पॉइंट, और किसी को अगर सवाल है, अल्फाज एक जगह किए थे तो दो रुकू पड़े थे, उसमें अजूला का लफ्ज आया था, मकान अल इंसान अजूला, और है इंसान जल्दबाज है, अजूला आजिज से, अजूला ये तैयार करने के लिए मंशूरा ये किताब जिसे पाएगा, यानी खुली हुई किताब मंशूरा। बल्कि आपको याद होगा जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको बताया कि मंशूर क्या है, उस ग्रुप का मंशूर क्या है, यानी क्या उसकी किताब में क्या लिखा है, लोग किस चीज़ को फॉलो करेंगे, ये मतलब। मधूरा यानी जिसमें दाखिल हुआ धकेला गया, मजमूमन मधूरा मतलब ये कि मजम्मत किया हुआ। मशकूरा यानी जिसको जिसकी कदर की गई। महजूरा माकान आता रब को महजूर, और नहीं है बख्शिश तेरे रब की बख्शिश को कोई रोकने वाला नहीं है। मखजूला यानी पस्तू पेट रहेगा मजम्मत किया हुआ बेबस होकर, यानी अगर जो अगर तुमने एकाम अल्लाह के नाम माने तो गफूरा काना लिल अवाबीन, गफूरा है रुजू करने वालों के लिए बख्श, यानी अल्लाह ताला जो रुजू करते हैं उसकी तरफ उनको वो बख्श देता है। कफूरा जाहिर है शैतान जो है अपने रब का नाशुकरा है। मैसूरा फकुल्लहुम कौलन मैसूरा, तू कह उनसे यानी अपने वालदेन से नरमी से बात करो तो ये कौलन मैसूरा का लफ्ज है। महसूरा है के साथ तू यानी अगर ना मलामत ज़दा होगा मजूमन महसूरा, तो ये अल्फाज चूँकि आए थे तो मैंने सोचा एक लिस्ट आपके सामने रखें ताकि गौर फिक्र करें, अल्फाज को याद करें, कुरान को जब पढ़ेंगे आप तो ये अल्फाजों से माने जहन में आने लगेंगे इंशाल्लाह।